बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शिफा कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम बनाने जा रहे हैं विदाउट क्रीम विदाउट मशीन कैपेचिनो। वही बहुत ही ज़्यादा इजी है और मज़ेदार बनती है। चलिए देखते हैं कैसे मैंने इसे बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना वक्त ज़ाया किए हुए फॉलो करें स्टेप बाई स्टेप। यहाँ मैंने नेस्के गोल्ड कॉफ़ी लिया है, आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं, बट जो बेस्ट रिजल्ट है कैपेचिनो का ये नेस्के गोल्ड कॉफ़ी से आता है। मैंने यहाँ बाउल रखा है, उसमें मैं अब शामिल करूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून कॉफ़ी। अगर आपकी कैपेचिनो की क्वांटिटी आपको ज़्यादा करना है तो आप इसकी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं कॉफ़ी की। मैंने अब इसमें डाल दिया है कॉफ़ी को और मैं शुगर ऐड करूँगी। शुगर की क्वांटिटी मैं 1 टेबलस्पून ज़्यादा करूँगी। जिस हिसाब से आपको मीठा पसंद है तो आप उस हिसाब से शुगर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ मैंने लिया है गरम पानी। गरम पानी का यूज़ करें, नॉर्मल पानी का यूज़ ना करें। बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालें गरम और इसे अब अच्छे से ब्लेंड करें। अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल शुगर का यूज़ किया है, मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने पाउडर का यूज़ नहीं किया है। अब अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड करते रहें तो इसका फॉर्म चेंज होगा, यानी कलर चेंज होगा, ये डार्क ब्राउन से क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। एक ही वे में ऐसे ही ब्लेंड करते रहें, एक से दूसरे वे में हमें ऐसे नहीं ब्लेंड करना है, सिर्फ एक ही वे में ऐसे ब्लेंड करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं अब ये धीरे धीरे थिक हो रही है, अब इसका कलर चेंज होगा, डार्क ब्राउन से ये क्रीम में आ जाएगी, क्रीम फॉर्म में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बस ये एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं। बस चलिए कॉफ़ी बनाते हैं। यहाँ मैंने कटोरी में 2 टेबलस्पून कॉफ़ी लिया है, कॉफ़ी में थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से स्पून से ब्लेंड कर लें। और यहाँ मैंने रखा है पैन, पैन में डाला है तकरीबन 2 कप दूध और डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। मैंने कैपेचिनो में भी शुगर ऐड किया है तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून डालूंगी और डाल देंगे हम अब कॉफ़ी को। कॉफ़ी डालने के बाद अब देख सकते हैं इसमें बॉईल आ चुका है, बस ये रेडी है। यहाँ मैंने कप लिया है जो मैंने क्रीम को बनाया था, यानी कि कैपेचिनो को बनाया था, अब मैं कप में इसे ट्रांसफ़र करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप देख सकते हैं बहुत मज़े का ही बना है, ये बीटर से मैंने इसे बनाया है, कोई मशीन से नहीं बनाया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कॉफ़ी को, कॉफ़ी डाल दें। कॉफ़ी डालने के बाद अब इसे स्पून से अच्छे से ब्लेंड करें ताकि इसकी झाग ऊपर आए। बहुत ही मज़े की कैपेचिनो बनेगी और बहुत ही यम्मी। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, गारंटी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। बस आप देख सकते हैं ये अच्छे से झाग हो गई है। बस अब मैं इसमें फिर शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून कैपेचिनो क्रीम डालूँगी ऊपर से। आपको जिस हिसाब से क्रीम डालना है अपने मुताबिक डालें, बहुत ही क्रीमी बनेगी हमारी कैपेचिनो। बस अब मैं शामिल करूँगी मैं इसमें थोड़ा सा दूध, 1 टेबलस्पून डालने के बाद बस आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। हार्ट का मैंने सिंपल बनाया है तो मैंने कोई भी शेप नहीं दिया है। बस ये रेडी है हमारा क्रीमी स्मूथ कैपेचिनो। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और घर में ज़रूर बनाएं, सभी को पिलाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे हमारी जो न्यू वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।